अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू री नास्टी सिटी। आज से व्लॉग्स का सिलसिला शुरू। इट्स बीन अ वाइल कि मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, और जहाँ मैं जा रही हूँ आपको साथ साथ लेके नहीं जा रही और आपको बता नहीं रही कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। आज मैं आपको फिर से अपने रूटीन के बारे में अपडेट करने जा रही हूँ, और राइट नाउ आई एम गोइंग समवेयर एंड इट्स 10 AM और लेक्चर्स भी थे आज मेरे, ख़त्म कर लिए हैं, ख़त्म इनफैक्ट नहीं किए हैं, हाफ हो गया और हाफ रह गया, बट आई हैव टू गो समवेयर और वहाँ जाके मैं बाकी कंप्लीट करूँगी अपने लेक्चर। सो वो जो जगह है वो कौन सी जगह है जहाँ मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ, दैट प्लेस हैज़ सम स्पेशल इम्पोर्टेंस इन माई हार्ट। ओके, और वो जो जगह है उसको सोच के ही मैं इमोशनल हो जाती हूँ, और आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग देयर, और मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरी क्या इमोशनल कंडीशन होने वाली है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट फीलिंग, दैट इमोशन, एवरी सिनेरियो ऑफ दैट मोमेंट विद यू गाइज, और लेट्स सी के वेयर एम आई गोइंग। बट आई ऑलरेडी नो दैट आप थंबनेल देख चुके हो, आप डिस्क्रिप्शन देख चुके हो, तो आपको अच्छे से पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी, मैं जा रही हूँ पी यूनिवर्सिटी, और GIK बेसिकली मैं जा रही हूँ, और आई जस्ट लव GIK। एंड आज जब मैं जा रही हूँ ना, तो आज डिफरेंट बात है एक, वो डिफरेंट बात पता है क्या है, वो डिफरेंट बात ये है कि इससे पहले जब मैं वहाँ गई हूँ, आई वॉज़ अ स्टूडेंट, और बींग अ स्टूडेंट मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई हूँ, एंड नाउ आई एम एन एक्स स्टूडेंट, और अब जब मैं जाऊँगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी ये वो जो फीलिंग होती है वो एक्स स्टूडेंट बन के फिर दोबारा से अपने इंस्टीट्यूट जाने की, वो कैसी होती है और क्या फील होता है, एंड आई कांट वेट टू फील दैट फीलिंग। तो सबसे पहले जल्दी से मैंने रेडी हो जाना है और उसके बाद जाना है। पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, वो मैं भी साथ साथ करूँगी, एंड दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द डे। सो ड्रेस चेंज हो गया, एंड नाउ आई हैव टू जस्ट गिव क्विक टच अप, और आज मैं वो करने वाली हूँ जो स्टूडेंट अलीना करती थी, कंपल्सरी वन, सनब्लॉक। तो सनब्लॉक यूज़ करते हैं बिकॉज लेट मी टेल यू कि मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे इट्स इन टोपाई, एंड वहाँ पे इतनी कोई गर्मी होती है, इतनी कोई गर्मी होती है कि अच्छी खासी आइसक्रीम आपके हाथ में पिघल जाती है। तो बेसिकली आप सनब्लॉक वहाँ पे भूलने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई माई सनब्लॉक। जो भी एक्सपोज पार्ट्स हैं आपने उसके ऊपर इस तरह से टैप टैप करते हुए लगा लेना है, और इसी तरह अपनी हाथों पे भी, बिकॉज बेड़ा फर्क हो जाता है हाथों का, जस्ट लाइक दिस, और जस्ट रब इट ऑफ। ये लग गया जी हमारा सनब्लॉक। उसके बाद मैं लगाती थी, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती जिंदा, माय मस्कारा। तो हल्का सा मस्कारा का टच देना, उसके बाद हल्का सा टेम इधर, दैट्स इट, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, टोटली ब्लेंडेड। ठीक है, और ये जी मैं रेडी, दिस इज मी। और उसके बाद लिप्स पे कुछ भी नहीं करना, कोई लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगानी, जस्ट सिंपली एलोवेरा जेल टाइप की ये लिपस्टिक मिलती है, जिसके अंदर इस तरह से फ्लावर्स होते हैं, ये पेट्रोलियम जेल टाइप होती है, आई डोंट नो इसका ओरिजिनल नेम क्या है, बट इट्स सो 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 गुड फॉर योर लिप्स, बिकॉज बिल्कुल ड्राई नहीं होने देती। तो इस तरह करें बेयर लिप्स के ऊपर, ये कमाल करेगी, हल्का सा ये पिंक कर देती है खुद ही, ये ज़्यादा नहीं करती, बिल्कुल नेचुरल से करती है। एंड हियर आई एम रेडी, सो दिस इज व्हाट आई लुक लाइक इन यूनिवर्सिटी इन माय स्टूडेंट डेज। सो या, मास्क इज अ मास्क बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो here we get on our mask, yeah.
और फिर जाते हुए मॉम जी के हाथ से नाश्ता बहुत कंपल्सरी होता है, खुद से मैंने कर लानी है और बगैर कराए उन्होंने भेज लानी है। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर कार। तो फिर जिंदगी में मजा के जिंदगानी बनाया। Okay, this is me right from the room of terror and a huge knowledge, my supervisor's office. And उसके बाद बॉस ने मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया बिकॉज ही नो दैट आई लव पिज़्ज़ा, और मेरे अराइवल की खुशी में हमने पिज़्ज़ा खाया एंड ही इज़ माई सुपरवाइज़र। इस वक्त दूसरी तरफ मुड़े हुए हैं, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। बट द पिज़्ज़ा वॉज सो यम, थैंक यू सो मच बॉस। ओके जनाब, तो बाकी पिज़्ज़ा हम अपने ऑफिस में खाएँगे G29 में। प्रिंसेस पिज़्ज़ा लेके अलीना को लाया। आई लाइक दिस। सो फाइनली सुपरवाइजर से पिज़्ज़ा लेके हम जा रहे हैं अपने ऑफिस में और वहाँ पे हम इसको खा जाएंगे। ईटिंग, तो ये हमारी लॉबी है, अभी हम इसके अंदर जाते हैं और अपने प्यारे से ऑफिस के अंदर जाएंगे और फिर ठूसेंगे पिज़्ज़ा। Cheers! अब हम जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में बिकॉज मोमना क्या है डिफेंस कल और उसकी है तैयारी करवानी और ऑलमोस्ट उसकी तैयारी तो हो चुकी है, बट ये है कि उससे प्रेजेंटेशंस लेनी है और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवानी है। एंड हियर इज़ आवर मोमना एंड प्रोजेक्टर पे उसने सब कुछ सेटअप कर लिया है एंड नाउ आई विल लिसन टू हर प्रेजेंटेशन। Having no solution of question 12, therefore all these cases belongs to curvature class A and the CCs are homotherty vector fields. In all the above cases, we obtained that the homotherty vector fields are kilometer fields and form a four-dimensional vector space.
The space time of the cases, namely 66, 84, 85 to 102, obtain the results which are given in equation 66. So now where are we going, Shivirapi? Tell me. I am so new here. I'm so new here. And we have to put our mask on our nose because one of our friends got incented from rectum. No mask, no entry. Okay. Because one of our friends got incented from rectum. Okay. Yes. Not having mask. Okay. Okay. Forget that date. हाँ, और मैंने उसको shine करके. वो सब fast food ही होगा. Chinese है ना कुछ. Chinese है ना कुछ. लाला लाला. What do you mean by this? We mean that we have to select from all these options. Okay. So these are the options. Alina, आलू की भुजिया भी है. Are you serious? Yes, we are. They seem very much interesting. Oh my god, they're delicious. Zoom. This is very Muginda. No, sorry. It's a straight no from me. It's a straight no from me. Pukir hai. आलू मिलेंगे. मैंने कुछ नहीं खाना यार. तो वही तो मैं कह रही हूँ, आपको क्या लगता है तुम्हें जिक्वा पसाना पड़ेगा. दोनों जो है यहाँ पे वेट कर रही हैं और ये दोनों स्कैनियाँ बन रही हैं और यहाँ पे ये मेन्यू डिसाइड कर रही हैं. तो देखते हैं कि ये क्या मेन्यू डिसाइड करती हैं और हमें कुछ टाइम लगा रहे हैं ना, डिसाइड ना हो पाएगा. फाइनली आ चुकी है दोनों. मुझे अंडे वाला बर्गर यहाँ पे अगर मिलता तो आई वुड लव टू ईट इट, बट नहीं मिलता. मुझे अंडे वाला बर्गर नहीं. अच्छा, ये शबीला मलिक आज पे करेंगी हमारे लिए, तो क्या पे कर रही हैं? ओनली 500 रुपीस. ओनली 500? ओनली 500. ओह माय गॉड. देखो उसमें आ जाएगा, डोंट वरी. आपको मैं आज भूखा नहीं सुनाएंगे, कुछ खिला के सुनाएंगे. गाइस, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगर इन्होंने मुझे भूखा सुनाया, तो लेट्स सी आप मुझे भूखा सुनाते हैं या नहीं. प्लीज़ हमारी वजह से, हम दो की वजह से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट तो हमारी वजह से ही है ना. इसमें मुझे कमेंट्स चाहिए, ठीक है? रिजर्वेशन. और मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे जानते हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो. यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ ही इज़ शबीला मलिक. इफ़ यू आर her fan, then you should comment. Yeah. And if you are not, then you are most welcome. फिर भी आपने comment करने. So basically ये हमारा DIK cafe है. पहले सवाल नहीं. इस औरत ने मेरे ऊपर ये गरम गरम oil. Oh my God! वीडियो ही नहीं बन रही. अस्तफा. ना करो. एक बार मेरे से पहले भी ऐसे हुआ था. फ्रैंक हो गया दोस्तों, ये हमारे साथ फ्रैंक करने के लिए आई थी दूर से. हाँ जी, इतने मज़े का सीन हुआ था. इन्होंने मुझे जलाने की भरपूर कोशिश की थी तो नाकाम हो गई थी. और मैंने वो सारा रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि प्लेन का बटन झूठ बोल रही है. झूठ बोल रही है. बटन ऑन नहीं था. ठीक है, झूठ बोल. दो नंबर बनाओ करें. एक्सक्यूज मी, यू आर विद मी मोमना? नो, व्हाई? आई थॉट सो. बट व्हाई? नो नो, व्हाई? बट व्हाई? वो क्यों झूठ का साथ देगी? I'm saying, Alina, कैमरा ऑन नहीं था, तो इसका मतलब है कि आप दो नंबर ब्लॉगर हैं. आपको पता नहीं है कैमरा ऑन है. अलीना गुंडियो मेरे पास की. तो ये बेसिकली ना मेरे जूनियर्स और सीनियर्स का एक ग्रुप है, बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, नटखट सा. तो ये ऐसे ही बोल रही थी. कंटेंट चेक कर रही हूँ ना, कंटेंट ये होता है कंटेंट. आप देखना, मैं भी सब्सक्राइब करूँगी. ये औरत मेरी इतनी अच्छी दोस्त और शी इज़ नॉट माई सब्सक्राइबर, बट I don't mind. I'm sick of your videos. Oh my God, she has not even seen one. बहुत फजूल है. एक भी वीडियो नहीं देखी है इसने. मैं आपको बता रही हूँ, अनसब्सक्राइब कर दे. आगे बहुत ही एक दो ब्लॉग जिनमें हम हैं, तो वो तो अच्छा है. उसके बाद जिंदगी तबाह. जल कुकड़ी स्पॉटेड, प्लीज गाइस. दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है. मैंने मुरव्वत में बोल दिया, तो कैसी होगी? आप तो सच ही बोलते हैं. अच्छा, चांद छुपा बादल में देख लो. शर्मा के लिए जा सीने से लग जा तू. छोड़ दे सारी परेशान. वाओ वाओ, नरेटेड बाय शबीला मलिक एंड सदफ नियाजी. रीरिटन बाय, रीसंग बाय, रीसंग बाय एंड रीफ्रेज बाय. था नहीं लाइन में. ओके, और बच्चों सो व्हाई वी आर पासिंग बाय अ जंगल.
मतलब आज आप लोगों का पूरा है आपका कि मैं किसी तरह किसी जंगली ओ भैंस के तो दो साल ही नहीं रास्ते से गुजर गुजर के आई हो, अब कह रही हो कि हम जंगल से जा रहे हैं, अब कह रही हो हम जंगल से जा रहे हैं, दो रास्ते से 9 बजे यहां से गुजर गुजर के जाते हैं। तुम लोगों ने बनाया यार, अब थोड़ा सा तो करने देते, मैं तो बस कर रही थी, मतलब बात भी नहीं करने देते लोग। ये चाहती है कि खुदा ना खास एक साल बाद में आई हूँ, क्यों कह रही मुझे जंगल से गुजार के लेके जा रही हूं, जाए तो इल्जाम हम पे ही आए। हाँ तो मतलब मरने का चांस है ना, है कि नहीं? गुजर गुजर के 9 बजे जाती थी, अब कह रही हो कि जंगल से 9 बजे, मैं तो 11 बजे भी गई हूं यार, मैं एडमिट करती हूं फिर। हां फिर आप क्यों कह रही है कि उस वक्त और बात थी, उस वक्त हम बच्चे हुए करते थे, उस वक्त स्टैमिना हुआ करता था। आप हमें बताती हैं हम रातों रात यहां पे सड़क तामीर कराते, आपको पता नहीं ना मैं आ रही हूं? नहीं आपने तो सरप्राइज नहीं दिया हमें। नाज़रीन ये जो औरत बहुत हंस रही है ना, क्या इसका डिफेंस है, और इसको चिल करने के लिए मैं आई हूँ और ये उल्टा मेरी चली बना रही है। देखा कि मैं सड़क तामीर कराती, इनको शक पड़ता है, कहते क्यों हो रहा है ये सब कुछ। शबीला मलिक आपसे तो कोई मुझे इतराज है ही नहीं ना किसी बात का, आप तो मतलब ठीक है, शबीला बीइंग शबीला। यस यस, अल्लाह हाफिज। फाइनली बहुत ही खूंखार किस्म के अंधेरे से निकल के हम रोशनी में थोड़ी सी आ गए, जहाँ पे मैं एक चांद के जैसे चमकते हुए चेहरे के साथ हाजिर हूँ, जिसके ऊपर एक अदद KN95 लगा हुआ है। नहीं ये बताना जरूरी था, बस कहते मास्क लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ नहीं, K95 लगा हुआ है, तो गाइज आपने मुझे बताना है कि डू यू वॉन्ट सम मोर व्लॉग्स विद शबीना मलिक और नॉट, और सदफ न्याजी को तो भूलिएगा ही मत, तो उनका सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ जिन्होंने लिटरली आज मैं ये बताना चाहूंगी औरत को ये बहुत इनको सब्सक्राइब करना चाहिए ना कि मुझे मेरा ये बड़ा लोग एक्सक्यूज मी हां बड़ा लोग व्हाटएवर बड़वाई एंड फाइनली हम आ गए हैं हॉस्टल बड़वाई, ये है हमारा प्यारा सा हॉस्टल बड़वाई। और अब मैं आफ्टर ऑलमोस्ट 9 to 10 months मैं इंटर होने जा रही हूँ, मेरा घर प्रवेश करो यार, हॉस्टल प्रवेश कर दो। बड़वाई वी आर इन, ये किसने कपड़े धोए ये एंड टन टडा जी, मोना प्लीज अपना खूबसूरत कमरे का दरवाजा खोले, देखिए उसकी हालत दिखाने वाली है कि नहीं। अब मैं भी घर हो चुकी हूँ, मेरा एक अदद कमरा होता था ऊपर वाले फ्लोर पे, जो कि अब मेरा नहीं भी रहा, और मेरे बालों की ऐसी हशर हो चुकी है जैसे पता नहीं 6 साल से कंघी नहीं की। एंड वाओ लाइट भी है मोना के कमरे में, तो सबसे पहले मैं अपना ये देखो कितना भारी लगेज उठाया हुआ था मैंने। आपको लगता है कि मैं मेकअप करती हूँ ज्यादा, 9 months बाद जा रहे हो तो फिर कैसे किस किस्म का मेकअप करती हूँ? देखो मैं चाह रही थी कि मैं जब वापस जाऊँ जीकी में तो मैं वैसे ही जाऊँ जैसे मैं वहाँ से आई थी, तो मैं ऐसे ही आई थी, तो मैं ऐसे ही आई हूँ। आपसे अब हम सुबह मिलेंगे क्योंकि अब हम अपने रूम में जा रहे हैं और हम बहुत थक गए हैं और हमें भी अभी सोना है, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, क्योंकि पूरा दिन गुजर गया इसी तरह, अभी तक मैंने रेस्ट नहीं किया, तो अभी मैं रेस्ट करूँगी और बाकी सब आपको कल मसाला मिलेगा क्योंकि कल मोमना का है डिफेंस। तो कीप वॉचिंग अलीनास्टिक व्लॉग्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट टाइमली अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।